नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव पर। बात करेंगे जेल से रिहा हुए आजम खान के बारे में। सपा नेता आजम खान के जेल से बाहर आते ही सियासत काफी गर्मा चुकी है। कांग्रेस जहां पर इन बातों में लगी पड़ी है कि किस तरीके से रिझा कर आजम खान को अपने खेमे में शामिल किया जाए, तो दूसरी तरफ आजम खान ने सपा से नाराजगी को लेकर एक ऐसा बयान रख दिया जिसको सुनकर सब हैरान परेशान है, क्योंकि संन्यास की बातें करते नजर आ रहे हैं आजम खान, जो कि जेल की सलाखों के पीछे से ही विधानसभा चुनावों में अपनी सीट से जीत दिला चुके हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक गुप्ता, हमारे इस खास शो में मौजूद है हमारे साथ मेगा, जिन्होंने आजम खान की खबरों पर बारीकी से नजरें बनाई हुई है। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आजम खान जेल से रिहा अभी तक हो चुके हैं, 4 से 5 दिन बीत भी चुका है, लेकिन अखिलेश से अभी तक मुलाकात नहीं हुई, उसका कारण क्या है? देखिए, एक तरफ तो आजम खान बोल रहे कि उनकी नाराजगी नहीं है, अखिलेश यादव के साथ सपा पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन एक तरफ उनके बेटे जो है अब्दुल्ला आजम, वो भी नाराज चल रहे हैं। उन्होंने भी देखा कि जिस तरह से मुलाकात हुई है, यहाँ पर शपथ वो ले लेते हैं विधायकी की, लेकिन आजम खान जो अपने घर वापस लौट जाते हैं, वहां पर बजट सत्र जो चल रहा था उसमें वो शामिल नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ अब्दुल्ला आजम की मैं बात करूं तो वहां पर जब प्रदर्शन चल रहा था पहले दिन बजट सत्र के दौरान, सपा पार्टी के विधायक जोरों शोरों से प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर भी अब्दुल्ला आजम जो है वो किनारे नजर आए। उसके बाद जब ये पूरा सेशन खत्म होता है तो यहां पर देखा जाता है कि अखिलेश यादव और यहां पर अब्दुल्ला आजम 20 मिनट तक कमरे में बातचीत करते हैं। तो यहां पर अखिलेश यादव की तरफ से कोशिश यही है कि किसी भी तरह से आजम खान को मनाया जाए, और यहां पर आजम खान ऊपर से तो यही बोल रहे कि सब कुछ ठीक है, मैं सपा पार्टी का साथ नहीं छोड़ूंगा, अखिलेश यादव से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन वो कथनी और करनी में फर्क दिख रहा है, वो कह कुछ और रहे, कर कुछ और रहे यहां पर। तो आपको बता दें कि आजम खान ने अपनी जेल के अंदर जो उनकी हालत थी उस पर बड़ी बातें रखी। आजम खान ने बताया किस तरीके से उनको थर्ड बैरक के जेल के अंदर रखा गया था और मुलायम सिंह उनसे मिलने क्यों नहीं आए, इस पर भी उन्होंने बातें रखी। मुलायम सिंह हमेशा से आजम खान को आजम खान साहब कहकर बुलाते हैं, बहुत मान सम्मान देते हैं, लेकिन जब वो जेल की सलाखों के पीछे थे तो एक भी मुलाकात क्यों नहीं की। मुलायम सिंह को लेकर आजम खान कहते हैं कि अगर वो आते जेल की सलाखों के पीछे और मेरे को उस हालत में देखते तो शायद उनकी हालत भी बुरी हो जाती, क्योंकि जिस हालत में मैं जेल की सलाखों के पीछे था वो बहुत बुरा मंजर था, वो दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन आप यहां पर बात करें उन पर हुए मुकदमे को लेकर, तो बीजेपी ने मुकदमा दर्ज करा, ऐसी कई बार उन्होंने बयान भी तंज कसे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस उनको अपने रिझाने में लगी पड़ी है। इस बीच कांग्रेस की ओर झुकाव आपको क्या लगता है आजम खान का होता नजर आ रहा है? देखिए, अभी तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि आजम खान का झुकाव जो है वो कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि देखिए यहां पर कांग्रेस की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। आजम खान जब जेल में थे तब देखने को मिला, वहां पर जिस तरह से प्रमोद कृष्णम पहुंचते हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, उनके घर भी जाते हैं, उनके परिवार वालों से मुलाकात करते हैं, तो कांग्रेस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि आजम खान को अपने खेमे में लिया जाए। वहीं मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं करूंगी, भाजपा की देख लीजिए, मायावती भी चाहती है कि आजम खान उनके सरकार उनके पार्टी में आ जाए, ताकि जो दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक है वो एक साथ आ जाए। वही AIMIM की बात करूं तो ओवैसी की तरफ से भी न्योता गया था आजम खान को अपनी पार्टी में शामिल होने का। तो यहां पर सभी पार्टियां जो है वो चाह रही है आजम खान को अपने खेमे में लेने की, लेकिन अभी आजम खान के लिए अगर विकल्प की बात करूं तो मुझे नहीं लगता सपा पार्टी से अच्छा विकल्प अभी आजम खान के पास है, क्योंकि बाकी जो पार्टियां हैं ना, यहां पर विधानसभा में उनका कैसा प्रदर्शन रहा है सभी ने देख लिया। भाजपा 1 सीट पर सिमट कर रह गई, कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट कर रह गई, तो अभी इन लोगों की हालत सही नहीं चल रही। तो मुझे भी लगता है कि आजम खान ऐसी डूबती पार्टी के साथ नहीं जाना चाहेंगे, और फिलहाल उन्होंने भी अपनी तरफ से यही कहा है कि वो सपा पार्टी के साथ रहेंगे या फिर हो सके तो राजनीति से संन्यास भी ले सकते हैं, इस तरह की बातें आजम खान ने कही है। जी बिल्कुल, तो अपनी वफादारी को साबित करते नजर आ रहे, भले ही सपा पार्टी जेल की सलाखों के पीछे जब वो मौजूद थे तो उनकी मदद करने के लिए नहीं पहुंची। तो आपको एक बाइट भी सुना देते हैं जिसमें उन्होंने सपा पार्टी से नाराजगी पर कई बातें रखी, तो वो बाइट। हमारे कुछ हाई कोर्ट के फैसलों में और सुप्रीम कोर्ट से शत प्रतिशत मामलों में जिस तरह से हमें इंसाफ मिला है, उसमें यही कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने विधाता की तरफ से जो पावर्स उनको डेलीगेट पावर्स थी उसका सही और जायज़ इस्तेमाल किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे दिलों को इस बात के लिए मजबूर किया है कि जिस तरह हमारे अब्दुल्ला ने कहा उस तरह हम भी ये कहें, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। सर, परिवार, आपने बहुत ज़्यादा परिवार ने सफ़र किया है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि 26 महीने से लगातार आप अंदर रहे हैं, परिवार लगातार जेल में भी पहुंचता रहा, लेकिन कुछ राजनीतिक दल और देखो भाई, जब कोई बड़ा मिशन सामने होगा तो मुखालिफ भी बड़ा होगा और तकलीफ़ भी बड़ी होगी, उस मिशन से फ़ायदे भी बड़े होंगे, नुकसान भी बड़े होंगे। हमारा मिशन राजनीतिक नहीं था, हमने अपने 40 साल के राजनीतिक कार्यकाल में पार्टी के नेताओं के
अपने सियासी आकाओं के जूते इसलिए सीधे नहीं किए थे कि हमें अपने लिए सोने या चांदी के कंगन चाहिए थे। हम कहाँ रहते हैं ये आपने देखा है, हमारा शहर कैसा था और अब कैसा हो गया ये भी आपने देखा है। यहाँ की इमारतें अगर आप देखें, यहाँ का नगर पालिका देखें, गांधी समाधि देखें और चीज़ें देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि हमने कैसा शहर बनाया। इस सब के पीछे जो एक बुनियादी मकसद था वो ये था कि मैं क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ और ये मेरी किस्मत की खुशनसीबी कहें या बदनसीबी कि जब मैं LLM फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट था, स्टूडेंट्स यूनियन का सेक्रेटरी था, उसी वक्त मुल्क में इमरजेंसी लग गई थी और तब भी मैं जेल गया और पौने दो बरस बनारस की जेल में। तो जब ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी तब भी जेल में था, अब जब ज़िंदगी अपने आखिरी दौर में है। देखा दोस्तों आपने किस तरीके से आजम खान सपा पार्टी के साथ अपनी वफादारी ईमानदारी पेश करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव के अगले कदम पर नजरें बनाए चलें तो राज्यसभा और विधानसभा को लेकर इन दिनों काफी इस समय राजनीतिक गर्माई भी है। तो इस समय बात करें आजम खान को लेकर, कई व्यूअर्स ऐसे थे जो वो कह रहे थे कि इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बना दो, कांग्रेस में बड़ा पद दे दो, लेकिन सपा पार्टी उनको यहाँ पर मदद करने के लिए आगे नहीं आई जब जेल की सलाखों के पीछे थी। और एक इरशाद उल्ला ने कांग्रेस के तौर पर पोस्टर भी उनका रिलीज कर दिया था जहाँ पर प्रियंका गांधी के साथ वो नजर आए थे, तो इस पर आपके बात कहना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर मैं यही बोल रही हूँ, कांग्रेस चाहेगी क्योंकि देखिए यूपी में कांग्रेस की नैया डूब रही है और आजम खान बहुत बड़े नेता है, बहुत दिग्गज नेता है और मुसलमानों में उनकी अच्छी खासी पकड़ है और कांग्रेस का भी, मुसलमानों का झुकाव कांग्रेस के पास भी रहता है, थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट बैंक है वो कांग्रेस को जाता है। तो कांग्रेस चाहेगी कि उस मुस्लिम वोट बैंक को आजम खान के जरिए जो है और भी जोड़ा जाए। तो मुझे लगता है इस वजह से भी आजम खान का सहारा ले रही है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, चाह रही है कि आजम खान के थ्रू जो है यूपी की सत्ता में फिर से वापसी की जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता अभी आजम खान कोई भी फैसले पर आ रहे, क्योंकि आजम खान जिस तरह से बयान दे रहे हैं अभी मुझे नहीं लगता कि आजम खान जो है वो सपा पार्टी को छोड़ने के मूड में है। बिल्कुल, तो आजम खान सपा पार्टी को छोड़ने के बिल्कुल मूड में नजर नहीं आ रहे, सन्यास की बातें कर दी, इससे ज्यादा क्या ही बात वो कर सकते हैं। तो आजम खान को लेकर सियासत गरमाई भी है, लेकिन आजम और अखिलेश की मुलाकात कब होती है और मुलाकात का निष्कर्ष क्या निकलता है, उसमें बात क्या होती है, वो जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। और आपको कुछ बातें यहाँ पर सुनाते हैं आजम खान की जो उन्होंने जेल से रिहा होने के बाद कही, तो सुनिए वो बातें। और साथ ही साथ चैनल पर नए जुड़ने, सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप यूपी राजनीति और राजस्थान की राजनीति जुड़ी सारी अपडेट पा सकें। धन्यवाद।